महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा संसर्ग होऊ लागल्यानं राज्य सरकारनं मिनी लॉकडाऊन जाहीर केला होता. फक्त शनिवार आणि रविवारी दोन दिवस संपूर्ण बंद करण्याचे आदेश सरकारनं दिले होते. मात्र आज अचानक नवी मुंबई पनवेल शहरातील सर्व दुकानं बंद करण्यात आल्यानं व्यापारी वर्गात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्य सरकारनं आम्हाला फसवून लॉकडाऊन लावला असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी यावेळी केला आहे. मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बंद करवाया, अच्छी बात है. वो हमारे लिए ही गवर्नमेंट कर रही है, हमारे ही लिए ही सब कुछ कर रहे हैं उन लोग. आप भी हमारे लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये बोलना है कि हम लोगों के लिए बारे में भी कुछ सोचा जाए. हम लोग तड़प के रह जा रहे हैं. कुछ लोग बोल देते हैं लेकिन हम लोग बोल भी नहीं पाते. हम किसको बोलने जाएंगे? हमारी आवाज़ों को भी कहीं पहुँचाया जाए कि भाई हम लोग को आज इतने बड़े बड़े स्टोर है, हम लोग टैक्स पेयर है, टैक्स भी गवर्नमेंट को हर समय से हम लोग भरते हैं. दूसरा है कि हम लोगों को आज हमारे पास 10-20 लड़के लोग जो स्टाफ है काम करते हैं, उनको भी घर चलाना होता है. बीवी बच्चे वाले, हमको उन पे दया आती है कि भाई इनको कैसे इनका घर चलेगा. तो हमको उनको सैलरी मजबूरन में, हमको कर्ज लेकर के मजबूरन में हमको उनको सैलरी पे करना पड़ता है. भाड़ोत्री है, वो बोलते हैं हमारा EMI चालू है, हम आपको भाड़ा क्यों छोड़ेंगे. हमको उसको भाड़ा भी देना पड़ता है. गवर्नमेंट बोल रही है आप बंद कर दो, हम बंद करने को राजी है, लेकिन हमारे बातों को भी तो कोई सुना जाए. हमको किसी से गिला सिखवा नहीं है, हमको किसी से गिला सिखवा नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए. आगे तक ये बात पहुँचे कि हमको भाड़ा कम से कम माफ़ किया जाए, या थोड़ा सा जो है कि सहूलियत, कुछ भी सहूलियत जो होता है कि भाई हाँ, कुछ व्यापारी लोगों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए. व्यापारी लोग, हम लोग, हम, मैं अपनी बीती में मेरा घर बेच दिया, मेरा घर बेच दिया, और उसके बावजूद फिर से लॉकडाउन हो रहा है. तो मैं क्या बेचूंगा? मेरा कंपनी चलाने के लिए मैं और क्या बेचूंगा? हमारे पास कुछ भी नहीं है. हम खुद ये बंदा शख्स, उनको मालूम है, मैं 10 दिन पहले मैं सुसाइड करने जा रहा था. मैं 10 दिन पहले सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन कुछ लोग मेरे को रोक लिए, जो कि मेरे मित्र थे, वो समझ गए, मुझे रोक लिए. नहीं तो मैं 10 दिन पहले सुसाइड करने जा रहा था. ये बंदा ऐसा नहीं तड़प के मर के, मरना ही नहीं जरूरी है. कुछ लोग पल पल मरते हैं, कुछ लोग पल पल मरते हैं, मरना ही मरना जरूरी नहीं है. हम सबके बारे में सोचते हैं. मैं मरते मरते बचा हूं, इन लोगों को मालूम है. आपको पूछना है, बंदे से पूछ सकते हो. मैं सुसाइड करने के लिए घर से निकल चुका था. मेरे घर वाले परेशान थे, मेरे घर वाले परेशान थे. हमारे पास, हमको कर्जा है, लोन है. मेरा नाम बिंदेश्वर गुप्ता है, मेरा कॉटन. प्रॉब्लम असा है कि मिनी लॉकडाऊन आणि पूर्ण लॉकडाऊन हा फरक आम्हाला कळला नाही. आता झाला हा, आतापर्यंत मिनी लॉकडाऊन सांगितलं होतं आणि त्याचा कन्वर्ट झालंय ते पूर्ण लॉकडाऊनमध्ये. दुकानदारांचे प्रॉब्लेम फक्त दुकानदारच फेस करतो आहे. आज डीमार्ट चालू आहे, तिथे कपडे विकले जातात, तिथे जे किराण्याचं मालाचं दुकान सगळं विकलं, तिथे एवढी गर्दी आहे, तिथे काहीच प्रॉब्लेम नाही. तिथल्या गर्दीचा प्रॉब्लेम नाही, फक्त दुकानदारांच्या गर्दीचा प्रॉब्लेम आहे का? ऑनलाईन सगळं सेल चालू आहे, सगळं ऑनलाईन, सगळे सगळ्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचतात. आमचे कस्टमर तुटत आहेत, आम्ही कोणाकडे जायचं? आम्ही कोणाला काही समजावू शकत नाही. लोक आम्हाला विचारतात त्याच्याकडे 25% डिस्काउंट आहे. अरे तो कसा विकतोय ते त्याचं त्यालाच माहिती आहे. आमच्याकडे गिराई घ्यायला तयार नाही. आणि मॉलच्या बाहेर तुम्ही कुठल्याही प्रकारची बंदी नाही. जसं डीमार्ट कंटिन्यू जा, तिथे आतमध्ये आत्ता सुद्धा कसली इतकी गर्दी आहे की त्याला तिथे एक मला माणूस एक चिकटून उभा आहे. हे सर्व चालतं, मग दुकानदारांनी कुठं जायचं? त्यांनी खरंच 10 दिवसापूर्वी तो माणूस जीव द्यायला चालला होता. आणि मी स्वतः आमच्या मित्रांनी ते थांबवलं. त्या 10 मिनिटात जर तो माणूस आमच्या हातून सुटला असता ना, तो माणूस सापडला नसता. आपलं नाव? माझं नाव प्रताप पिसा. मेरा नाम नीता शर्मा है. सामने फॉरएवर प्रिटी मेरी शॉप है. बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है. अभी आप बंद करोगे, एक महीने के बाद आप चालू करोगे, फिर कोरोना बढ़ेगा, फिर क्या करोगे? वापिस लास्ट टाइम के जैसे वापिस लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते रहोगे? ये सॉल्यूशन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्यूशन निकालो कि कोरोना का आप क्या कर सकते हो. आपने वैक्सीनेशन पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है. एज के हिसाब से आप कर रहे हो. फॉरन कंट्रियों में आप वैक्सीनेशन सप्लाई कर रहे हो, इंडिया में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है. और दूसरी बात, ठीक है, अनलॉक में केस कम हुआ. हाँ, और आपको करके फायदा क्या? आपको बंद करना है, आपको बंद करना है, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं. पर आप एक टाइम लिमिट बनाओ ना शॉपकीपर्स के लिए. सुबह 10 बजे चालू करो, शाम को 5 बजे बंद करना, या 6 बजे बंद करना है. उससे भी हमारा गुजारा हो जाएगा. लेकिन आप एक महीना कंटिन्यूसली बंद करने के लिए बोलोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमको. हम फिर भी खोलेंगे, मोर्चा करेंगे. अब जो करना है कर लो, हम लोग सब साथ में हैं. हम सब नीता शर्मा.